नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं एक विनती करना चाहूंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में कर रहा हूं, मिशन उत्तराखंड 2022 के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देहरादून में राहुल गांधी की जनसभा के लिए तारीख और जगह तय हो गई है। 16 जनवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में इसका आयोजन किया जाएगा। इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में जनसभा हुई है। यह एक बड़ी खबर है, लेकिन इसके साथ एक और खबर है और वह यह कि कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ से 35 टीमें उत्तराखंड में भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये 35 टीमें उत्तराखंड में करने क्या वाली है। कांग्रेस के मिशन 2022 के लिए घोषणा पत्र बनाने की तैयारी शुरू की गई है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आए लोग उत्तराखंड में घूम घूम कर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को यह बताएंगे कि प्रदेश के बड़े मुद्दे क्या है, प्रदेश की समस्याएं क्या है। यह कमाल की बात है। क्या हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह प्रदेश की समस्याओं और मुद्दों से अनजान है? यह एक सवाल बनता है और यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र बगैर मजबूत विपक्ष के अधूरा है। विपक्ष के मजबूत होने के लिए दमदार तरीके से चुनाव लड़ना पड़ता है और दमदार तरीके से चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे रुपए चाहिए। और यह सच किसी से छुपा नहीं है कि आज की कांग्रेस वोट और नोट के मामले में बहुत गरीब है। सत्ता से लंबे समय तक बाहर रहने के कारण चंदा भी कम आने लगता है। यह कठोर सच्चाई है और कांग्रेस का जीता जागता उदाहरण है। यह बातें मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बात, दूसरे राज्यों से 35 टीम आकर उत्तराखंड की समस्याएं और मुद्दों पर क्या बात करेगी, यह सोचनीय है। और दूसरी बात, इनको ठहराने के लिए होटल से लेकर तमाम खर्च आएगा, वह पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ और भी है क्या? इसलिए सवाल बनता है क्योंकि हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह से ज्यादा इस प्रदेश की समस्याएं और मुद्दों से कौन वाकिफ हो सकता है कांग्रेस में। वैसे कांग्रेस ने इस अभियान का नाम न्याय प्रवास रखा है। ये 35 टीमें उत्तराखंड की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और प्रत्येक टीम के साथ 5 स्थानीय लोग भी रहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 2 माह का समय लगेगा। इसके बाद घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा और जिसकी बाद में घोषणा की जाएगी। वैसे कांग्रेस पार्टी में इसे जनता के संवाद के तौर पर भी देखा जा सकता है। कांग्रेस में इस तरह के जनता से संवाद की परिपाटी खत्म होती दिख रही है। भाजपा इस पर बड़े फोकस होकर काम करती है, लेकिन मेरा सवाल इतना भर है कि उत्तराखंड के मुद्दे और परेशानियां दूसरे प्रदेशों से एकदम भिन्न है। इनको प्रदेश के नेता अच्छे से समझते हैं, इसीलिए जनता से संवाद के तरीके कुछ और ढूंढे जा सकते हैं और जनता से संवाद बनाने के लिए यही जिम्मेदारी प्रदेश के नेता कार्यकर्ताओं को सौंपी जा सकती थी। यह एक सवाल है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।